हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आशापुरा डिज़ाइनर। आज हम फिर से आ गए हैं टेलर साहब के यहाँ पे, और टेलर साहब के यहाँ से आज टेलर साहब ने बनाया है फिर से ब्राइडल ब्लाउज़। और ये देखिए, ये ब्राइडल ब्लाउज़ का नजराना यहाँ पे इन्होंने वर्क करवाया है। ये एक ब्राइडल ब्लाउज़ है, तो यहाँ पे ये वर्क किया हुआ है। ये हाथ है, और हाथ में यहाँ पे दूल्हा पैरों पर बैठा हुआ है, दुल्हन खड़ी हुई है, और वरमाला का टाइम हुआ है, वरमाला पहना रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत सोच है ये, और इसमें जो वर्क किया हुआ है वो भी बहुत ही खूबसूरत है। और आप देख लेते हैं इस ब्लाउज़ की पैटर्न, जो बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे टेलर साहब ने वर्क करवाया है, जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और ये एक ब्राइडल ब्लाउज़ है। जब ये ब्लाउज़ आया था आप सोच भी नहीं सकते हो, इतना सिंपल ये ब्लाउज़ था, मगर वर्क के बाद ये ब्लाउज़ एकदम से इतना खूबसूरत हो गया है कि कह नहीं सकते। मुझे अफसोस हो रहा है कि मैं पहले क्यों नहीं आपको दिखाया कि कितना सिंपल ब्लाउज़ था, और उसके बाद इसमें जो ये वर्क हुआ है उसके बाद तो ये ब्लाउज़ की खूबसूरती और भी बढ़ गई है। और सबसे ज़्यादा खूबसूरत बात है इस ब्लाउज़ की, ये जो टेलर साहब ने यहाँ पे दो पट्टियाँ बनाई है, और दो पट्टियों में ये वर्क किया हुआ कपड़ा आया था। यहाँ पर टेलर साहब ने ये दो पट्टियों के ऊपर इनको शेप में काट के इनके ऊपर जो ब्राइड और ग्रूम दोनों का नाम लिखा हुआ है, अच्छे से कढ़ाई करके यहाँ पे उनका नाम दिया हुआ है। और फिर टेलर साहब ने ये दो चौरस बना के इन दोनों को एक साथ कर लिया है, और फिर ऊपर से जो ये पैटर्न जहाँ से स्टार्ट होती है वहाँ पे इन्हें अटैच कर दिया है। तो यहाँ पे पहले दूल्हे का नाम है और नीचे दुल्हन का नाम है, और बहुत ही खूबसूरत है, आप देख सकते हो। सोच भी बहुत अच्छी है। ये जो चॉइस है वो दुल्हन ने पसंद की थी कि उसे अपना और दूल्हे का नाम चाहिए ब्लाउज़ के ऊपर, और ये आजकल पैटर्न में चल रहे हैं कि दूल्हे और दुल्हन के नाम वाले अलग अलग सी पैटर्न आती है। ये हमारे यहाँ पे चैनल पे आपको ये तीसरी पैटर्न दिख रही होगी जिसमें दूल्हे दुल्हन का ब्लाउज़ है। पहले भी एक था, और अभी कुछ टाइम पहले भी एक ब्लाउज़ हमने डाला था, और ये तीसरा ब्लाउज़ है ब्राइड का जो इतना खूबसूरत है। तो अगर आप भी दुल्हन हो और चाहते हो कि ऐसा कुछ करना, अपने होने वाले पति को सरप्राइज़ देना या अपनी शादी को यादगार बनाना, तो आप भी ऐसा ब्लाउज़ बना सकते हो। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिएगा, और पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को। मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।